नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेज में। चलिए शुरू करते हैं आपका कक्षा 8 वालों का मैथ, जो कि यूपी बोर्ड में चलता है। यूपी की सभी पुस्तकें जो होती हैं सरकारी पुस्तकें, उनका हम लोग पढ़ा रहे हैं। चलिए देखिए, आज आपका शुरू करने वाले हम अभ्यास पांच शुरू करने वाले हैं। जो अभ्यास पांच है, इसमें हमको पढ़ना क्या है? अभ्यास पांच का नाम जीव व्यंजकों का भाग एवं गुणनखंड। तो हम पढ़ेंगे बीजी व्यंजकों का भाग एवं गुणनखंड पढ़ेंगे, जिसमें हमको पढ़ना है इसमें बीजी व्यंजकों में एक पदी तथा द्विपदी व्यंजकों से भाग करना। बीजी व्यंजकों में एक पदी तथा द्विपदी व्यंजकों से भाग करना। और देखिए, बीजी पद पांच घात तक सीमित होंगे, मतलब पांच ही घात तक का पढ़ना है, उससे आगे तक का नहीं पढ़ना है। आगे देखो, होता है भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल का सत्यापन करना। ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जब भाग चेक किया जाता है, भाग किए हैं वो सही आया कि गलत आया है, ठीक है, उसको चेक करने के लिए हम लोग करते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये वाला हम एक सूत्र लगाते हैं। अच्छा, ये आगे चल के आपको नाइन्थ में ये यूक्लिड का परिमेय हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला हमारा बहुपदी व्यंजकों के गुणनखंड की संकल्पना, तीन पदों से अधिक नहीं। बीजी व्यंजकों के गुणनखंड की संकल्पना तीन पदों से अधिक नहीं, जिसमें एक सूत्र दिया गया है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी बी स्क्वायर, ये सब तमाम है। देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्रकार के व्यंजकों का गुणनखंड करना, ठीक है, ये भी दिया गया है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया भाग दीजिए, का वाला है एट एक्स स्क्वायर वाई जेड, का वाला एट एक्स स्क्वायर वाई जेड। अच्छा, ध्यान से देखिएगा, बहुत बढ़िया समझाएंगे, समझ में भी आ जाएगा आप लोगों को। मैं टू एक्स वाई से, ठीक है, भाग करना है। देखिए क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन जब आप बढ़िया से रियलाइज कर लेंगे तो आप कैसे उसको हल करना वो सब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, एट एक्स स्क्वायर वाई जेड भाग किससे करना है? टू एक्स वाई से। बचपन से हम लोग कैसे भाग देते हैं, ऐसे करते हैं, अगर दो लिखा होता तो आठ लिखा होता तो क्या करते, दो का पहाड़ा इतनी बार ले जाते कि आठ आ जाए, दो चौके आठ, और ये क्या हो जाता था, कट जाता था। लेकिन ये हमारा अचर होता था ना, अब हमारे पास चर के साथ है, करेंगे तो ऐसे ही, देखिए करेंगे ऐसे ही। अगर इसको हल किया जाए तो इसको लिखेंगे एट एक्स स्क्वायर वाई जेड बटे टू एक्स वाई, ऐसे ही तो होता है। देखिए, दो तरीके हम आपको बता रहे हैं, आप समझ जाएंगे कैसे होता है, एकदम तोड़ तोड़ के बता रहे हैं आपको। दो से काटेंगे इसको, दो चौका आठ हो जाएगा ना चार। अब ये एक एक्स से ये एक्स कैंसिल हो गया, वाई से वाई कैंसिल, बचेगा क्या हमारे पास, फोर एक्स जेड, ठीक है, मतलब हमारा आंसर क्या आएगा, फोर एक्स जेड आएगा। अच्छा, ध्यान दीजिए कैसे हो रहा है, फिर लिखते हैं एट एक्स स्क्वायर वाई जेड। इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, विस्तार करने में कैसे लिख सकते हैं, एट लिखेंगे, एक्स स्क्वायर मतलब क्या है, एक्स गुड़े एक्स है गुड़े वाई है गुड़े जेड है। अब पूरे का बटे क्या हमारा, टू एक्स वाई, देखिए टू एक्स वाई मतलब क्या लिखा, टू गुड़े एक्स गुड़े वाई, इतना है ना, मतलब दो से काटेंगे, दो से आठ को काटेंगे चार आ जाएगा, एक्स से एक एक्स कट जाएगा, वाई से एक वाई कट जाएगा, यहाँ बच क्या रहा है, चार एक्स बच रहा है और जेड बच रहा है, मतलब क्या बचेगा, चार एक्स जेड, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया, पक्का समझ में आ गया होगा, एक बार पीछे करके देख लीजिए, पूरा समझ में आ जाएगा। ये समझाना था इसलिए आपको थोड़ा सा छोटा छोटा करके बता रहे, अब समझाना नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया अब आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखिए लिखा है पंद्रह एक्स स्क्वायर वाई घात थ्री, पंद्रह एक्स स्क्वायर वाई की घात थ्री, ठीक है, इसमें भाग करना है मैं थ्री एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से क्या करना है, भाग करना है। चलिए इसको भी ध्यान दीजिए, एकदम वैसे ही क्या करते हैं, पंद्रह एक्स स्क्वायर वाई घात थ्री बटे करेंगे थ्री एक्स स्क्वायर वाई घात वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये घात दो है याद रहे। अच्छा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तीन से तीन पचे पंद्रह, वाई स्क्वायर से ये तीन कैंसिल, मतलब एक वाई बचेगा केवल, ठीक है, बचा गया पांच वाई, बचा क्या हमारे पास, पांच वाई, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको चाहे तो आप विस्तार में करके लगा सकते हैं एक बार समझने के लिए, जिसको नहीं समझ में आता है अभी शुरू में ये सब पढ़ रहा है वो कर सकता है। इसको लिख सकते हैं पंद्रह गुड़े एक्स दो बार है ना, एक्स घात स्क्वायर है, इसका स्क्वायर तो दो बार, और वाई को वाई गुड़े वाई गुड़े वाई, तो दो वाई कट जाएगा और एक्स स्क्वायर कट जाएगा, और तीन से तीन पच्चीस पंद्रह कट जाएगा, आएगा कितना, पांच वाई आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं गा वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में किससे करना है, ए प्लस का बी से, ए प्लस का बी से करना है, भाग करना है।
तो चलिए इसमें क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप एक सूत्र जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए प्लस का बी, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो भाई इसका सूत्र होता है एक ब्रेकेट में ए प्लस बी सर्वसंख्या होती है और एक ब्रेकेट में ए माइनस का बी, ये सर्वसंख्या होती है याद कर लीजिएगा, ए प्लस बी यही तो है, मान लीजिए ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल, बचा क्या ए माइनस का बी और ए माइनस का बी, यही हमारा क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है ना, मतलब भाग करने पर यही आएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं सरल कीजिए क्वेश्चन नंबर दो का, सरल कीजिए 32 यम की घात 3 वाई स्क्वायर बटे क्या है 4 यम स्क्वायर वाई है, 4 यम स्क्वायर वाई है, वहां पे आपको क्वेश्चन आ रहा होगा, आप वहां से क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, 32 है यम कहां 3 है और वाई स्क्वायर है, तो क्या करेंगे 4 अठे 32 यहां 8 आ गया, वाई स्क्वायर से ये कैंसिल केवल एक वाई बचा और यम स्क्वायर से ये कैंसिल केवल एक यम बचा, आंसर क्या आ गया हमारा 8 यम वाई, ठीक है ना, इतना बचा हमारा, ठीक है दोस्तों। अगर इसको भाग करके देखें, भाग जैसे करेंगे भी, आइए थोड़ा सा कर देते हैं, समझा देते हैं, 4 यम स्क्वायर वाई, इसका भाग करना किसमें 32 यम की घात 3 वाई घात 2, ठीक है, देखिए कितनी बार लेके जाएंगे 4, अच्छा चेक किया जाता है कितनी बार जाएगा, तो यहां से इतना बार 4 अठे 32 8 बार जाएगा 32 हो जाएगा, यम स्क्वायर है कितनी बार ले जाएंगे, अगर यम बार लेके जाएंगे तो यम स्क्वायर और यम कितना जाएगा यम की घात 3 हो जाएगा, और वाई है वाई स्क्वायर है तो वाई बार लेके जाएंगे क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं घटाते हैं, ये कट जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, आंसर क्या आएगा 8 यम वाई, यही तो आंसर आ गया, ये देखिए यही वाला आंसर आया ना, ठीक है समझ में आया। अब तो दोस्तों देखते हैं खा वाला, खा वाला क्या है, ये दिया गया एक्स घात 3 प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स, अच्छा इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है तो देखेंगे एक्स इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है, क्या करते हैं एक्स कॉमन ले लेते हैं, बचेगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स प्लस का 4, अपार में क्या बचेगा एक्स बचेगा, ठीक है, तो एक्स से एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स प्लस का 4 आ जाएगा, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। चलिए गा वाले में क्या दिया गया 16 एक्स स्क्वायर लिखते हैं, 16 एक्स स्क्वायर और माइनस का 8 एक्स, माइनस का 8 एक्स स्क्वायर 8 एक्स घात 3 सॉरी 8 एक्स घात 3 है, अपान कितना दिया गया है 4 एक्स दिया गया, 4 एक्स दिया गया, सेम ऐसे जैसे पीछे वाला है ऐसे इसको भी लगाते हैं, देखिए क्या हो जाएगा 16 एक्स स्क्वायर है इधर 4 एक्स है तो 4 एक्स इधर कॉमन ले लेंगे 4 एक्स, तो बचेगा क्या 4 एक्स बचेगा, माइनस का 4 एक्स कॉमन ले लेंगे कितना बचेगा 2 एक्स स्क्वायर बचेगा, बचेगा ना, और यहाँ क्या रहेगा 4 एक्स रहेगा, ठीक है दोस्तों। ये हो गया, अब क्या करेंगे ये 4 एक्स से ये 4 एक्स कैंसिल हो गया ना, अब देखिए जब 4 एक्स से 4 एक्स कैंसिल हो गया तो हमारा आएगा क्या, यह जाएगा 4 एक्स माइनस का, देखिए 4 एक्स माइनस का 2 एक्स स्क्वायर आ गया और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला, अगला दिया गया है 9 ए स्क्वायर माइनस 24 ए प्लस का 18 एक घात 3 प्लस 18 एक यहां 3 बटे 3 ए 3 ए इतना दिया गया है, इन सब में कुछ कॉमन मिल रहा है, ध्यान देना 3 ए है ना तो 3 ए कॉमन मिलेगा, तो जब 3 ए कॉमन लेंगे तो बचेगा कितना 3 त्रिका ना होता ना तो बचेगा 3 ए के तो कॉमन हो गया, यहां बचेगा ए माइनस यहां से 3 8 24 होता ना तो यहां बचेगा 8, यहां से क्या बचेगा प्लस देखिए 6 ए स्क्वायर बचेगा, ठीक है ना दोस्तों, और ये हो गया 3 ए हो गया, देखिए इसका जब गुणा करेंगे 3 त्रिका 9 ए स्क्वायर हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे 8 त्रिक 24 ए हो जाएगा और ये 6 त्रिक 18 एक ही हाथ 3 हो जाएगा, ठीक है, तो ये इतना आया 3 ए से 3 ए कैंसिल बचेगा क्या 3 ए माइनस का 8 प्लस का 6 ए स्क्वायर, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो और क्वेश्चन सारे समझ में आए हो तो आप कमेंट में करिए कि हाँ सर क्वेश्चन समझ में आया है और अच्छा लग रहा है पढ़ने में अच्छा लग रहा है और अच्छे से पढ़ाए, थोड़ा सा भी कमी हो कहीं पे भी बताइए उसको, हम और सुधार करते हैं और अच्छे से हम उसको कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छे आपको एक्सप्लेन करें और आपको समझ में सब आ जाए, ठीक है।
बिना समझे तो जाना नहीं है, मैथ को आपके दिमाग में घुसेड़ के जाएंगे हम। चलिए ठीक है, ये आपका यहाँ पे आपका अभ्यास 5 समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आप चैनल पे नए आए तो आप चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे आपके अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।